बना के दिखाई दे। आगे आज करते हैं थोड़ा उससे, ये आगे करते हैं इसी पार्ट को थोड़ा सा ना, हम भाई बेबिलियन बॉस का यूज करके देखते हैं, जैसे कहते हैं बेबिलियन बॉस, ठीक है, या आज ना बैकग्राउंड हटाकर ही देखते हैं। लाइक जैसे कि अलग अलग तरीके से आप देखते हो कि फोटोशॉप के अंदर आपने देखो, जैसे बैकग्राउंड जैसे कोई इमेज है जेपीजी, जैसे आपको अपनी फोटो लगानी है पोस्ट के अंदर, और आपकी नॉर्मल फोटो है तो नॉर्मल फोटो तो लग ही नहीं पाएगी, तो फिर पर्टिकुलर पार्ट पोस्ट का में देखा होगा आपने, जैसे पोस्ट पोस्ट डिजाइन मैंने सब कुछ करो ऐसे सर्च कर। अब जैसे इनमें तो देखो क्या रहा है, जेपीजी इमेजेस लग रहे हैं, मतलब फुल बैकग्राउंड के साथ लग रहे हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है, जैसे मैं अपने इंस्टाग्राम पे देखा शायद एक पोस्ट करने पड़ जाएगी, जैसे मान लो ये इमेज देखो, तो ये इसके ना बैकग्राउंड नहीं है, देखो सिर्फ क्या है, इमेज इमेज लगाई लड़की की हमने ना, कि मतलब डेटा मार्केटिंग कोर्स करना, सिर्फ कंप्यूटर के साथ एक इमेजेस ही लगाई हमने, तो जैसे क्या हो गया ऐसी इमेजेस, मतलब देखो ये होगी यहाँ पे भी ये लगाई हमने इस तरीके से, मतलब ये क्या जेपीजी इमेज को पीएनजी इमेजेस बनाना, क्या बनाना है जेपीजी को पीएनजी, फिर वो दिख रहा है जेपीजी को पीएनजी बनाना है ना, या किसी का बैकग्राउंड चेंज देखो, जैसे लाइक ये रही देखो, इसको देख रही है देखो इस तरीके से आ गया, अब नॉर्मल इमेजेस है ना हमारे पास, ठीक है, और यह अगर हम इसी को हम इस तरीके से करें फोटोशॉप बैकग्राउंड चेंज, तो अगर हम सर्च करें फोटो ये फोटोशॉप में बना सकते हैं दोनों बना सकते हैं, इस तरह बना सकते हैं, ये जो अभी आप बता रहे हो पोस्ट वो इसी तरीके का है ना, हाँ ये पोस्टर है, कितने दिया था 11 दिन में दिखा, 5 दिन है ना, 5 6 दिन में लगेगी, बैकग्राउंड होगा ना, इसका बैकग्राउंड हमने कहीं भी चेंज कर दिया, ये बैकग्राउंड कहीं पर भी आ गया, लाइक देखो ये बैकग्राउंड चेंज करके ये आ गया, तो हमने देखा फोटोशॉप में देख क्रिएटिविटी देख, मीम्स भी बनाते हैं अपने, किसी को कहीं भी उठा के लगा देते हैं है ना, अपना फोटो किसी के साथ खड़ा कर सकते हैं, एक्टर्स वगैरह होते हैं ना, मीम्स वगैरह बनते, विराट कोहली का भी बनाते देखो, विराट बैकग्राउंड चेंज, देखो ये इसको तो कहीं पर उठा के लगाया था एक बार, ऐसा ना ऐसा मीम फोन कराया था, तो यहाँ तो ऐसा ना काफी सारे हमारे पास वो आते हैं बन के, देखो ये हम तब पॉसिबल कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड हटा सकें इस तरीके से, देखो पहले यहाँ भी लगाया था एक बंदे ने, तो अपने फोटो लगा दिया था इस जगह पे शूट कर, मतलब ऐसा शूट कर लिया फोटो, देन मैंने इस पर लगा दिया, चल होगा देखना हटा दिया, मतलब ज्यादा हो गया था पब्लिश को, देखो तो ये बैकग्राउंड फोटोशॉप के थ्रू ही कर सकते हैं हमें सारी क्रिएटिविटी सारी, है ना, ये होता है हमारा फोटोशॉप बैकग्राउंड। अच्छा इसके साथ ना बहुत सारे तरीके हैं, और जो प्रोफेशनल तरीका है वो होता है पेन टूल, कौन सा होता है पेन टूल, वैसे हम काफी पेन टूल होता है, लेकिन अब काफी क्या ना जितना अपडेट होता जा रहा है सॉफ्टवेयर, तो काफी सारे तरीके से ना हम इसको चेंज करते जा रहे हैं, लेकिन जब भी परफेक्ट करना होगा, लाइक जैसे क्या होता है अगर कुछ HD इमेजेस है तो उनके तरीके तो कुछ उसका हट जाते हैं, लेकिन लाइक कभी ज्वेलरी इमेजेस आ गई, या आप जैसे कोई बैग का आप कर रहे हो, बैग को परफेक्ट, बैग का साइज छोटा होता है बड़ा नहीं होता, तो फिर उनको परफेक्ट करने के लिए पेन टूल का ही यूज किया जाता है, तो अभी जैसे कोई हम ले लेते हैं मॉडल HD फुल इमेज, मैं सारे तरीके बताता हूँ आप कैसे चेंज करोगे आप, लाइक मैंने इस पर क्लिक किया मैं इस पर, ठीक है, अच्छा एक चीज हो रहा है, अगर जैसे कोई नॉर्मल इमेजेस है जैसे ये खड़ा है, तो इसका हम बैकग्राउंड कहीं भी लगा सकते, लेकिन कभी जैसे बैठा हुआ है देखो, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको बैकग्राउंड सर्च करना पड़ेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग बैकग्राउंड सर्च करना पड़ेगा, इस तरीके से उसको लगा, लाइक में जिसको बैकग्राउंड चेंज करना है मुझे, तो राइट क्लिक करके करेंगे सेव इमेज, और पेन टूल आपको आना ही चाहिए, पेन टूल क्या आना चाहिए आपको, आना ही चाहिए वो टूल जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये ना
कभी कभी जैसे ये डिजाइन तो आप दिखा रहे थे, ये डिजाइन की कोई शेप नहीं है, अगर आपके पास पेन टूल आता है तो वो डिजाइन आप बना सकते, ठीक है। जरूरी नहीं पेन टूल से बैकग्राउंड चेंज करने के लिए होता है, वैसे भी इम्पोर्टेंट है पेन टूल का, थोड़ा एक दिन लगता है सीखने में, ठीक है, थोड़ा सा है, एक दिन लगेगा सीखने वाले, 5 मिनट में सीख जाओगे, मैं तो बहुत टाइम में सीख जाता, वैसे आप बच्चे 1 घंटे में सीख जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो देखो पेन टूल चलाते कैसे, पहले तो पेन टूल का यूज करना सीखें। यहाँ से आएगा पी फॉर पेन टूल, आएगा पी फॉर पेन टूल, पास आ जाओ थोड़ा सा, ठीक है, पी फॉर आएगा कौन सा टूल, पेन टूल। पेन टूल का यूज कैसे करेंगे, देखो कभी कभार ना कैप्स लॉक ऑन होता है तो पेन टूल हमारा ऐसा शो करता है, देख लो प्लस का साइन बन कर आ रहा है, क्योंकि कैप्स लॉक ऑन है, अगर कैप्स लॉक आप ऑफ करोगे तो पेन टूल में ही कन्वर्ट करके दिखाएगा वो, मतलब पेन दिखाएगा आपको, देखो यार, ठीक है। पेन का यूज कैसे करेंगे, अगर शॉर्टकट की बोलते हैं तो मिलेगा कहाँ पे आपको, इस जगह पे मिलेगा आपको पेन, ठीक है। पी फॉर क्या आएगा, शॉर्टकट की लिख लो, इसकी पेन टूल की पी होती है, पी पी ओनली, ठीक है। और जब भी स्टार्ट करते हैं नॉर्मल क्लिक कर दे, तो क्लिक कर दे नॉर्मल क्लिक पहले, ठीक है। अगर देखो लाइन सीधी जा रही है, क्या है लाइन स्ट्रेट है, तब भी नॉर्मल क्लिक करेंगे, पर अभी कभी क्या होता है कर्व होता है, देखो देख रहे हो आप कर्व आ रखा है, देखो जब कर्व लाना हो तो वहां माउस का लेफ्ट क्लिक आप छोड़ेंगे नहीं, माउस का लेफ्ट क्लिक क्या दबाना है, प्रेस करके रखना है और इसको मूव करना है माउस, जैसा कर्व चाहिए आपको, देखो आया समझ में, उसे समझेगा, जहां से स्टार्ट करते हैं वहां नॉर्मल क्लिक करते हैं, अगर लाइन स्ट्रेट है तो नॉर्मल क्लिक करेंगे, लेकिन लाइन पर कर्व है, क्या है कर्व, ठीक है, लेकिन जहां कर्व है वहां माउस का लेफ्ट क्लिक क्या करेंगे आप छोड़ेंगे नहीं, माउस का लेफ्ट क्लिक क्या करेंगे प्रेस करके रखेंगे, देन कर्व आ जाएगा, देखो ठीक है। तो माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ना नहीं है और क्या आएगा कर्व आएगा, जब कर्व आता है तो देखो दो हैंडल बनकर आ जाते हैं, एक हैंडल नीचे आ रहा है एक हैंडल ऊपर आ रहा है, ठीक है। इस हैंडल को क्या करते हैं ऑल्ट के साथ हटाते हैं, किसका हटाएंगे, एक हैंडल को हमें हटाना होता है, क्योंकि एक हैंडल को हटाना किसके साथ हटाएंगे, ऑल्ट प्रेस करेंगे और इसके मिडिल में क्लिक कर देते हैं, क्या कर देते हैं मिडिल में, एक हैंडल क्या हो जाएगा मेरा हट जाएगा, एक हैंडल मिडिल में, ठीक है। फिर स्ट्रेट जाना है सीधा जा सकते हो, कर्व लेना है माउस का लेफ्ट क्लिक छोड़ना नहीं है आपको, कर्व आएगा तो हैंडल आएंगे, एक हैंडल को ऑल्ट के साथ क्या करना है हटाना है, ठीक है, और जोड़ने के लिए जहां से स्टार्ट करते हैं वहां पर नॉर्मल मतलब तो उसी पर टच कर देते, ठीक है। अब देखो मैं पूरा करके दिखाता हूँ फिर तुम्हें समझ में आए, अब मैं इसका बैकग्राउंड हटाना चाहता हूँ तो इसके ना हम आउट आउटलाइन एरिया ले लेंगे, मतलब पूरा इसको कवर कर लेंगे, देन इसको हटा देंगे बैकग्राउंड को, जब कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया नॉर्मल क्लिक कर दिया, नॉर्मल क्लिक हो गया, अब इसको लेके आ कर्व चाहिए तो माउस का लेफ्ट क्लिक आप छोड़ेंगे नहीं, कर्व आएगा आगे कर्व, अच्छा कुछ भी गलती हो जाती है तो कंट्रोल जेड करना है आपको, मान लो अगर आपको लगता है कि सही नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या करना है क्लिक किया माउस का लेफ्ट क्लिक छोड़ना नहीं और देन कर्व लेके आना, कर्व आ गया, जब कर्व आए तो देख क्या दो हैंडल आए है ना, एक हैंडल को हमें उठाना होता है ऑल्ट के साथ क्लिक करके उसको उठा देंगे, मिडिल में क्लिक कट गया हैंडल, फिर देखो कर्व है, फिर से माउस का लेफ्ट क्लिक छोड़ेंगे नहीं, माउस को इधर से इधर मूव करेंगे, देखो ऐसे जैसे हमारे पास कर्व आ गया, फिर से ऑल्ट के साथ क्लिक कर देंगे, देन फिर जहाँ से नॉर्मल है तो सीधा लाइन नॉर्मल क्लिक किया ऑल्ट के साथ क्लिक,
है, समझ में आया कॉन्सेप्ट इसका? भी गलती हो जाती है तो कंट्रोल जेड प्रेस करना है ना, ठीक ये आ गया मेरे पास, मैंने जहां से स्टार्ट किया वहां पे क्या कर दिया, टच कर दिया, ठीक है। अभी मेरे पास क्या, अगर मैंने एरिया कवर कर लिया पाथ से अपने पेन टूल से, अभी हम इसका लेके आएंगे सिलेक्शन, क्या लेके आएंगे सिलेक्शन, जिससे हम इसको निकाल सकें उसमें से, मेज में से। तो सिलेक्शन आता है पेन टूल के बाद, आप तक वो पेन टूल वी प्रेस कंट्रोल प्लस एंटर, क्या प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस एंटर सिलेक्शन पेन टूल का, आफ्टर यूज पेन टूल फॉर टेक सिलेक्शन। ठीक है ना, अब देखो दो तरीके हैं इसमें इसको निकालने के। पहला तरीका कि मैं इसमें से इमेज में से इसको कॉपी कर लूं, या दूसरा तरीका क्या करूं इसका, मैं बैकग्राउंड को डिलीट कर दूं। पहला तरीका तो इसमें से मैं इतने पार्ट को कॉपी कर लेता हूं, दूसरा तरीका इसमें से मैं इसके बाहर के पार्ट को डिलीट कर देता हूं। फर्स्ट तरीका देखेंगे कंट्रोल जे, कंट्रोल जे से क्या होगा इतना पार्ट कॉपी हो गया, देखिए बताया था हमने कंट्रोल जे से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, देखो आप दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है, क्योंकि दोनों लेयर ऑन है, एक तो मेन लेयर ऑन है और मेरी खुद की जो कॉपी वाली लेयर ऑन है, मेन लेयर को बंद कर दिया, ये आ गया देखो निकल, बैकग्राउंड वाली लेयर को हटा दिया ना, मतलब मेन लेयर थी मेरी वाली, इसको बंद कर दिया उसको। या दूसरा तरीका देखो, अभी सिलेक्शन कितने पार्ट का है, अंदर वाले पार्ट का, मतलब बंदे वाले पार्ट का, हटाना मुझे कौन सा पार्ट है बाहर वाला, तो हम आउटर सिलेक्शन बनाएंगे। आउटर सिलेक्शन कैसे बनाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट टाइप, कंट्रोल शिफ्ट टाइप पर होता है इनवर्स सिलेक्शन, आई और इनवर्स सिलेक्शन, कंट्रोल शिफ्ट आई इनवर्स, हाँ और इनवर्स सिलेक्शन, इनवर्स सिलेक्शन, ठीक है। और बाहर का पार्ट क्या करते हैं, मैंने डिलीट कर दिया, ठीक
सिलेक्शन हटाने की शॉर्टकट की क्या होती थी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी होती थी सिलेक्शन हटाने की शॉर्टकट की। ठीक है, अब देखो ये पार्ट रहेगा मेरा, ये वाला पार्ट भी तो रहेगा। फिर से मैंने क्या किया, पेन टूल लिया, ऑल्ट के साथ क्लिक, कंट्रोल एंटर और डिलीट कर दे रहे, कंट्रोल डी सिलेक्शन आ दिया। आगे समझ में, देखो तो देखो ये बैकग्राउंड मेरा हट गया इसके अंदर। अगर आपके लायक है उसको पीएनजी में निकालने लायक विदाउट बैकग्राउंड निकालनी है तो फिर क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, सेव एज और पीएनजी। ठीक है, तो ये पीएनजी आ जाएगी ना मेन की, विदाउट बैकग्राउंड में निकाल सकते हैं। डेस्कटॉप पे गए, सेव कर दिया मैंने, देखो पीएनजी की इमेज, तब इसका क्या, वो कोई बैकग्राउंड नहीं आया। देखो आप किसी पोस्ट वगैरह कहीं पे भी इसका यूज कर सकते हो, यहाँ कभी कभार होता है ना पीएनजी इमेज नहीं मिलती हमें और यूज वही इमेजेस करनी है हमें, एक तो ये तरीका होगा। अब सेकंड मुझे क्या करना है, इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। ठीक है, तो आप कोई भी बैकग्राउंड यूज कर सकते हो, लाइक मैंने टच कर लिया पे फोटो टॉप बैकग्राउंड, अब आप देखोगे भी किस पर ठीक लगेगा, कहाँ ठीक लग सकता है, जैसे यहाँ आ गया, इस जगह पर आ गया, देखो है ना, पता यहाँ ठीक नहीं लग रहा, तो आप उस चीज को देखोगे भी कहाँ ठीक लग सकता है वो। और कम साइज से एक काम करता हूँ, मैं कार बैकग्राउंड ले, जैसे हम यहाँ दिखा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, लाइक मैंने बैकग्राउंड ले लिया, सेव में, ठीक है, ड्रैग किया फोटोशॉप, ब्लैक बने आ चुके। देखो एक तो मैं इसी विंडो में छोड़ दूँ इसको, ठीक है, ये आ गया, देखो अब ये आ रहे इसके जस्ट ऊपर आ रहे, कहाँ आ रही है, ऊपर, और हमें करना है इसके पीछे, इसको या तो इस इमेज को नीचे कर दो, देखो ये बैग इसकी लेयर है, किसकी, कार वाली लेयर है, और ये मेरी मेन वाली लेयर है, इसको नीचे कर दो, पहला तरीका। दूसरा तरीका शॉर्टकट की से लेके आएंगे हम, शॉर्टकट की होती है इसके, देखो कंट्रोल करली ब्रैकेट, ये वाला कंट्रोल करली ब्रैकेट, ये वाला बैक करने के लिए कंट्रोल और लेफ्ट करली ब्रैकेट होता है ना, ये वाला, देखो ये वाला करली ब्रैकेट बैक करने के लिए, कंट्रोल करली ब्रैकेट, अगर फ्रंट लाना हो तो राइट वाला करली ब्रैकेट पड़ा, बैक करने के लिए, फॉरवर्ड बैकवर्ड के लिए, बैकवर्ड ये है, ठीक है। अब इस इमेज को काफी बड़ा लग रहा है, मैच तो करके बैकग्राउंड, पर इमेज क्या लग रहा है, काफी बड़ी लग रही है, हमें इस इमेज को करना है छोटा करना है, तो मैंने बताया था छोटा करने के लिए शॉर्टकट की बताई थी कंट्रोल टी फॉर ट्रांसफॉर्म होता है, कंट्रोल टी फॉर ट्रांसफॉर्म स्केल एंड रोटेट करने के लिए, इस कॉर्नर पर गए और मैंने ऐसे छोटा करूंगा तो मेरी स्ट्रेच हो जाएगी,
तो मैंने इसको छोटा करने के लिए बताया था ऑल्ट प्लस शिफ्ट के साथ यूज कर, शिफ्ट के साथ एक ठीक है। इस ट्रांसफॉर्म को उठाने के लिए एंटर प्रेस करते हैं, क्या प्रेस करेंगे एंटर। हो गया ना चेंज बैकग्राउंड। ठीक है हो गया ना बैकग्राउंड चेंज। अगर आपको जैसे मान लो ब्राइटनेस मेरी मैच कर दी, अगर आपको लाइक जिसमें ब्राइटनेस देनी है या कोई एडिटिंग करनी है, कलर बैलेंस करना है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन आएगा देखो एडजस्टमेंट, ये इतना छोटा सा आइकन दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। इसमें आपको सब मिल जाएगा, लाइक ब्राइटनेस करना या कलर बैलेंस करना, ब्लैक एंड व्हाइट करना, ये सारे ऑप्शन इसके अंदर शो होने लग जाएंगे आप। तो हमें इसके लिए यूज करें कौन सा, ब्राइटनेस। ब्राइटनेस किया देन आप ब्राइटनेस को बढ़ा भी सकते। पर अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, वो फोटो और दोनों की बढ़ रही है ना। अगर कॉन्ट्रास्ट, अगर मुझे मान लो किसी एक का बढ़ाना हो, हाँ सेलेक्ट तो है बिल्कुल। अब क्या करना पड़ेगा मुझे, इसका ना सिलेक्शन लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा, सिलेक्शन। देखो देखो जो भी हम काम कर रहे हैं हमेशा किस पर काम कर रहे हैं, सिलेक्शन पर काम कर रहे हैं। सिलेक्शन का मतलब होता है जितने एरिया पर काम करोगे उतने एरिया पर क्या होगा, वर्क हो। तभी हम क्या लाएंगे, इसका सिलेक्शन लाएंगे। क्या लाएंगे, सिलेक्शन। सिलेक्शन कैसे लेके आते हैं, देखो दो तरीके सिलेक्शन लाने के, एक तो शॉर्टकट किसे भी ला सकते हो और एक वैसे भी ला सकते हो। जिसका सिलेक्शन लाना हो उस वाले एक आइकन, ये देख ब्लैंक एरिया दिखाई दे रहा है, इस पर लिखा रहता है लेयर थंबनेल, लिखा रहता है ब्लैंक एरिया। फिर राइट क्लिक करके सेलेक्ट पिक्सल का ऑप्शन आएगा, उसका देखो सिलेक्शन वापस आ जाता है। देखो जिस लेयर का सिलेक्शन हमें लाना हो उस लेयर के जो वाला एरिया जो उसको शो करती है, उस पर राइट क्लिक करके सेलेक्ट पिक्सल करना। आगे देखो समझ में। अब देखो अब मैं ब्राइटनेस बढ़ाऊंगा, एडजस्टमेंट पे जाके क्या ब्राइटनेस, तो देन इसी की ब्राइटनेस बढ़ेगी क्योंकि पर्टिकुलर एरिया किसको हो रहा है, इसी सिलेक्शन पर वर्क हो रहा है। आगे समझ में हो गया ना। देखो बैकग्राउंड चेंज जरूरी है इसका करना, हम किसी भी चीज का कहीं पे भी कर सकते हैं। इसको हम बुर्ज खलीफा के सामने भी बैठा सकते थे, ताकि जैसे कि यहाँ बैठाना है इसके सामने बैठाना, देखो तो वो तो इमेज से बैकग्राउंड लेके हम इसको भी लगा सकते थे इस तरीके से। यहाँ बैठाना है पर मैं इसलिए लिया कि इमेज साइज बहुत छोटा था, पता देखो राइट क्लिक करो सेव इमेज डेस्कटॉप। अब देखो मैंने इस इमेज को ड्रैग किया और यहाँ ना छोड़ के मैंने एक न्यू विंडो में छोड़ा, यहाँ पर इस न्यू विंडो में। न्यू विंडो में छोड़ने से क्या हुआ, जो इतना जिसका एक्चुअल साइज था उतने पे उसने क्या बना ली, एक अपनी खुद की एक फाइल क्रिएट कर ली। क्या कर ली, इसकी फाइल क्रिएट कर ली, नहीं तो यहाँ छोड़ता तो क्या होता, देखो तो कैसे आती, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ता इस तरीके से। देखो ऐसे तो प्रॉपर पूरी इमेज आती नहीं इस तरीके से हमारी, इतना साइज आता है। पिक्सलेट क्यों हो रही है, क्योंकि इसका साइज क्या है, क्वालिटी काफी कम है इमेज की। कैसे पता चलती क्वालिटी कम है, देखो साइज बहुत कम आ रहा है, 338423 कम से कम साइज होना चाहिए, इसका 800 पिक्सल से ऊपर होना चाहिए। क्वालिटी इसकी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो हमने क्या किया, पूरी अगर इमेज को दिखाना है तो हमने इसको यहाँ ना छोड़कर जाके एक न्यू विंडो ओपन किया, इस जगह यहाँ गए इस तरीके से। इसको जूम कर लेते कंट्रोल पर से थोड़ा सा। अब क्या करेंगे, अब मैं इस इमेज को दिखाना चाहता हूँ किसके अंदर, उसके अंदर। इस इमेज को सेलेक्ट किया फिर ड्रैग करके ले जाएंगे और यहाँ ला के छोड़ देंगे।
ये बड़ी आ रही है तो क्या करेंगे, कंट्रोल इनपुट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अगर थोड़ा आपको लग रहा है कलर बैलेंस करने की नीड पड़ रही है मेरे को, इस पर राइट क्लिक करके क्या करेंगे, सेलेक्ट पिक्सल एडजस्टमेंट में जाके क्या करेंगे, कलर बैलेंस, और यहाँ से कलर बैलेंस कर सकते थोड़ा सा। इतना आगे समझ में, तो कर लो किसी का बैकग्राउंड चेंज, किसी भी चीज का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक तो देखो तरीका ही है पेन टूल, बाकी सारे सिंपल ही है। जैसे मैं मॉडल एक्टिव फुल इमेज में फिर से लेता हूँ, फुल इमेज में तो पूरा आ जाता है यार। क्वालिटी कम आ गई, ये ले ले। ठीक है, अब राइट क्लिक किया मैंने, क्या किया, सेव इमेज, ड्रैग और लाइक में, अब यहाँ ना छोड़ते, मैंने क्या होता है एक नई विंडो में छोड़ा है, फुल साइज ले रही, इसको डिलीट कर। अब मुझे इसका बैकग्राउंड हटाना है। ठीक है, अब क्या करना है, इसका बैकग्राउंड आना है मुझे। तो देखो हम पहले पेन टूल सिलेक्शन ले रहे थे, सिंगल तरीका है इसका, सेलेक्ट में जाना, कर देना सब्जेक्ट, क्या करना, सेलेक्ट में जाके सब्जेक्ट, ऑटोमेटिक इसका सिलेक्शन ले लेगा, डिटेक्ट कर लेगा। ये ज्यादा इजी नहीं है सर, कोई तो रहा हूँ मैं आपको, कोई जी है, इजी है बनाने का, लेकिन कभी छोटी छोटी इमेजेस आ गई, जैसे कि ज्वेलरी की रिंग आ गई, रिंग को सेलेक्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत दिले, बट एक हाई क्वालिटी की इमेजेस है, मुझे जब आगे काम करना तो मैं इसका यूज करता हूँ, बट मुझे लग रहा है कि इसका परफेक्ट ही मांग रहा है कोई, मतलब पूरा परफेक्ट के लिए पेन टूल, जब इससे काम चल रहा है तो इसका भी यूज कर सकते हैं। ऐसा ऐसा नहीं, परफेक्ट ये भी दे रहा है, देखो अच्छा, तो ये भी परफेक्ट दे रहा है ना, देखो मतलब करके देख लो, अगर आपका काम नहीं निकल रहा तो यूज पेन टूल यूज कर लेंगे, वैसे ये भी दे देगा, देखो आ गया, अब कंट्रोल सी कर दिया, कॉपी हो गया, हैंड रहेगा, देखो अब देखो ये हैंड को डिटेक्ट नहीं कर पाया कैसे भी तरीके से, इसका हैंड रहेगा, हैंड को डिटेक्ट नहीं कर पाया। अब मुझे हैंड का भी सिलेक्शन चाहिए, ठीक है, तो हमारे पास एक टूल आता है इसी जगह, देखो एक क्विक सिलेक्शन टूल, जैसे सिलेक्शन बनाने के लिए सारे के सारे, मैं कर क्विक सिलेक्शन टूल आ गया। ठीक है, अब क्या किया, क्विक सिलेक्शन टूल लिया, ठीक है, सिलेक्शन ऐड और सिलेक्शन माइनस, मतलब सिलेक्शन अगर प्लस करने के लिए मुझे जरूरत करनी पड़ रही क्या कि प्लस की, माइनस करना सिलेक्शन को क्या कर सकते हैं, माइनस, अगर बाहर निकल रहा हो तो अंदर कर सकते हैं सिलेक्शन, जैसे मान लो सिलेक्शन कर रहे हैं तो बाहर निकल रहा होता, अगर सिलेक्ट करें तो इसको माइनस का यूज कर,
अब इस सिलेक्शन को हमें जरूरत है, हमें लेना है, इसका साइज बढ़ाना है, इसका किसका छोटा सा सर्कल है ना, ये भी कर्ली वैक्स से बढ़ाएंगे, कर्ली वैक्स से बढ़ेगा साइज इसका, लेफ्ट वाले कर्ली वैक्स से छोटा होगा, ठीक है। आ गया सिलेक्शन लिया प्लस जैसे कोई सिलेक्शन बाहर निकल गए है ना, तो यहाँ से क्या किया माइनस वाला चूज किया, साइज थोड़ा क्या किया कम किया, अब देखो इसका भी सिलेक्शन हटाना है मुझे किसका, इस वाले पार्ट का, तो ऐसे भी इसका सिलेक्शन भी यहीं से हटा सकते माइनस कर। अब क्या करते हैं कंट्रोल जी, कंट्रोल जैसे क्या होगा इतना पार्ट कॉपी होगा, आगे समझ में, देखो अड़ गया ना बैकग्राउंड, अब ब्लैक को ऐसा बैकग्राउंड ले लो, कौन सा बैकग्राउंड, बैकग्राउंड सर्च करना व्हाट्सएप डिफिकल्ट हो जाता है कि कौन सा बैकग्राउंड किस पर सही लगेगा, कैसा ये पैर रख रहा है, तो एक बॉल ले लेते ना, ठीक है, राइट क्लिक सेव में, न्यू विंडो में छोड़ा मैंने बताया था, को सेलेक्ट को ड्रैग कंट्रोल टी फॉर ट्रांसफॉर्म और चुटके साथ छोटा कर देंगे, और छोटा कर ले कंट्रोल, हो गया चेंज, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है ज्यादा ब्राइट और डार्क करना है तो कुछ भी करना, तो मैंने क्या राइट क्लिक करके क्या करेंगे, सेलेक्ट पिक्सल एडजस्टमेंट और ब्राइटनेस को भी कम कर सकते हो थोड़ा सा इसकी को, तो ब्लेंड हो जाएगा उसका, अगर तुम ब्राइटनेस ठीक लग रही है अपनी तो बढ़ा भी सकता है, जो भी तुम, ठीक है। अगर शैडो देनी है इसकी लाइक में थोड़ी शैडो दिखानी है, इसी में इस पर सेलेक्ट करेंगे एफएक्स में जाकर ऑप्शन आएगा कौन सा ड्रॉप शैडो, रीसेट करो सबसे पहले शैडो का डिस्टेंस दे दो, ठीक है, डार्क साइज ब्लर नहीं करनी मुझे, थोड़ी सी डार्क दिखानी है डिस्टेंस, हो गया ना चेंज, तो देखो उससे भी परफेक्ट ही हुआ एक तरीके से देखा जाए तो सेलेक्ट में जाके सब्जेक्ट, सेकंड तरीका ये, अब आ जाओ थर्ड, ठीक है, इसके अंदर देखो इसी के अंदर आते ऑप्शन आता है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, इसका काम क्या, ये भी देखो प्रॉपर सब्जेक्ट की तरह काम करता है एक तरीके से, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, अब देन मैंने कहा कौन सा ऑब्जेक्ट का चाहिए, इसका चाहिए, तो बस उसकी पैसे ट्रैक कर,
इससे तो पूरा ही परफेक्ट, इससे भी एंड टूट गया था। अब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में क्या फर्क है? ये दोनों काम एक ही कर रहे हैं। सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि लाइक अगर आप जैसे हम दो बंदे खड़े तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट करो तो दोनों का सिलेक्शन ले लेंगे। अगर मुझे चाहिए सिर्फ आपका सिलेक्शन, मेरा नहीं चाहिए, तब उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट का यूज करें। जैसा कि मैं देखो कोई मैं ही लेता हूँ, मैंने मेरी जिससे दो बंदे एक साथ हैं कहीं, जैसे देखो ये एक तरीके मुझे सिर्फ सिलेक्शन चाहिए किसका, इसका चाहिए। देखो कभी कभी ना वेब फाइल होती है, ये सेव नहीं हो सकती, ये सिर्फ क्या होगी कॉपी होगी। क्या होगी कॉपी, राइट क्लिक करके करना क्या कॉपी में फोटोशॉप कंट्रोल से कर दिया पेस्ट। पर मैं चाहता हूँ तो जैसे ये सब अपने अपनी फाइल के साइजेस में आ रहे थे, ये भी क्या हो जाए अपनी फाइल के साइजेस में आ जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे अब ऐसे तो हम इसको ड्रैग करके ले जा नहीं सकते क्योंकि कॉपी हो रखा है। अगर सेव हो रखी होती तो फाइल को नई फाइल में ड्रैग कर लेते हम। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करना है, इस पर एक ऑप्शन आएगा किसका, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट आएगा, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट डाल देगा, क्लिक किया। जब भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर हम डबल क्लिक करते क्या करते हैं इस पर डबल क्लिक, तो ये ऑटोमेटिक ना अपने जितना साइज है फाइल का उतने एक नई फाइल क्रिएट कर देते हैं। नहीं है एक्चुअली वो सेव होती तो मैं उसको ट्रैक करके यहाँ ले जाता तो उतना साइज में आ जाता इसका, पर एक कॉपी हुई है तो पहले कॉपी करके राइट क्लिक करके क्या बनाएंगे इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। जब भी हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करते हैं तो जितना इसका साइज होगा इसका इमेज का उसमें क्या कर लेगा उतने साइज में एक नई फाइल जनरेट कर लेगा। डबल क्लिक किया यार ठीक है, आप क्या करेंगे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, तो देखो इतने ही ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन आया। अगर मैं शायद सिलेक्ट सब्जेक्ट करता देखते फिर क्या होता सिलेक्ट में जाके सब्जेक्ट आई थिंक दोनों को ले लिया, तो कुछ तो पता नहीं ना कि तुम कौन से चाह रहे हो, उसको पता नहीं चला ना किसका चाह रहे हो। तो ये ऑब्जेक्ट आया समझ में, पेन टूल आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, एक और देख लो इसके अंदर सिलेक्शन बनाने के लिए एक होता है मैजिक पेन टूल, कौन सा होता है मैजिक। कभी कभार हम कुछ भी इमेज देते हैं, मैन इमेज पीएनजी जो भी कुछ सर्च करते हैं हम नहीं, उस पर कभी कभार क्या होता है पीएनजी नहीं आती, सर्च कर लेता अब मुझे ना इसका बैकग्राउंड हटाना है। तो इसके पीछे आप देख रहे हैं सिंगल कलर है, कौन सा कलर है सिंगल है, ये भी मैंगो फाइल है, ये वाली फाइल सारी ये भी फाइल को ड्रैग किया फोटोशॉप के अंदर लाइक में कनेक्ट कर हम देख कर हम बना लिए क्या है जीपीजी लिखा होता है ऑप्शन में जैसे ना फाइल तो इस फाइल कॉपी होंगी फिर इसको ट्रैक करके तो मैंने लाइक नहीं आया ठीक है। अनलॉक, अब मुझे इसका बैकग्राउंड हटाना था, आप देख रहे हो एक सिंगल कलर है इसके पीछे बैठा तो वो भी तरीके पर एक सिंगल कलर हटाने के लिए एक टूल होता है हमारे पास, कौन सा टूल मैजिक वैंड टूल, मैजिक वैंड टूल का यूज करते हैं पर्टिकुलर सिंगल कलर को पिक करने के लिए। वाइट
आगे समझ में, मैजिक पेन टूल लिया, देन मैंने इस पर क्लिक कर दिया, तो जहां जहां भी वो कलर था उसने वो क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, तो देन इतना पार्ट डिलीट कर दिया मैंने, बन गया पेन बन गया। तो एक सिंगल कलर को हटाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मैजिक पेन टूल का यूज। और सही है वो, लेकिन सर एक सिंगल कलर पे काम करेगा। अगर ऐसे इनमें मल्टीपल कलर्स थे ना भी जब यूज करें, इसमें कितने सारे कलर, इसे फिर एक सिंगल कलर पे काम करे, जब पीछे एक सिंगल कलर हो। सर का अगर हम लोगो लेते हैं, लोगो अब जैसे मान लो मुझे लोगो चाहिए सारे अलग अलग, मैं सेव किया इमेज, कॉपी कर लेता हूँ, सेव नहीं हो पा रही, कॉपी फोटोशॉप किया, कंट्रोल वी से पेस्ट, राइट क्लिक करके क्या बताया था मैंने, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, डबल क्लिक, आ गया अलग अलग मैजिक पेन टूल पे क्लिक किया। अब जो भी चाहिए आपको, लाइक ये चाहिए, ये चाहिए रेक्टेंगल ले लो, कौन सा चाहिए, ये वाला चाहिए, कंट्रोल दे, कॉपी कर लो, इतना पार्ट उसमें से कॉपी कर लिया ना आपको, दूसरा चाहिए ये वाला चाहिए, गूगल का चाहिए, तो कितने सारे तरीके सीखे हम, पेन टूल फॉर परफेक्ट सिलेक्शन, देन हम सेलेक्ट में जाके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्विक सिलेक्शन टूल भी, और क्विक सिलेक्शन का भी देख लो एक बार यूज अगर मैंने प्रॉपर नहीं बता पाया तो। मुझे इसका सिलेक्शन हटाना, बैकग्राउंड हटाना देगा, देखो देखो देखो, क्विक सिलेक्शन टूल लेंगे,